नमस्कार मित्रों, मैं हूं आनंद कुमार गुप्त और आप देख रहे हैं खबरी चौक। आज खबरी चौक की टीम झारखंड प्रदेश के गुमला जिले के इस टांगीनाथ धाम पहुंची है। तो आइए हम आपको बताना चाहते हैं कि टांगीनाथ धाम क्यों प्रसिद्ध है, क्यों आखिर पूरे देश से लोग यहां पे पूजा करने आते हैं और अपनी मन्नत को पूरा करते हैं। तो आइए देखते हैं बाबा टांगीनाथ का धाम। झारखंड में टांगीनाथ वह जगह है जहां के बारे में बताया जाता है कि यहां मध्यकालीन युग की कई स्थापत्य कला है जो कि वहां इधर उधर बिखरी पत्थरों की आकृतियों में देखकर समझ सकते हैं। जल कुंड है, पहले मंदिर में जो भी अभिषेक चाहे पूजन पाठन होती थी वो जल आके यहाँ पे जीते थे। इनका जो नाली था वो तो अब बंद हो गया है, लेकिन लोग इसको हवन कुंड बोल के कुछ दिन पहले इसमें हवन भी किए हुए थे, लेकिन ये जल कुंड है, इनका यानी कि सोखता है। यहाँ की कलाकृतियाँ एवं भग्नावशेष किसी से छिपी नहीं है। यहाँ मंदिर के चारों ओर विभिन्न कलाकृतियाँ बिखरी पड़ी है। यह पुरातात्विक महत्व का एक महत्वपूर्ण स्थान है और इसे लेकर कई अनुसंधान किए जा रहे हैं। यह शिवस्थली के रूप में प्रसिद्ध है और गुमला जिले के डुमरी ब्लॉक में टांगीनाथ के महान त्रिशूल के लिए प्रसिद्ध है। यह गुमला मुख्यालय से लगभग 50 किलोमीटर दूर है और डुमरी से 8 किलोमीटर दूर है। झारखंड के इस बियाबान और जंगली इलाके में शिवरात्रि के अवसर पर काफी संख्या में श्रद्धालु टांगीनाथ के दर्शन के लिए आते हैं। स्थानीय आदिवासी बैगा ही यहाँ के पुजारी है और इनका कहना है कि यह मंदिर अत्यंत प्राचीन है। मान्यता है कि महर्षि परशुराम ने यहीं अपने परशु यानी फरसे को गाड़ दिया था। स्थानीय लोग इसे त्रिशूल के रूप में भी पूजते हैं। ये त्रिशूल देख रहे हैं, ये त्रिशूल विश्व प्रसिद्ध है, विश्व में ऐसा त्रिशूल कहीं नहीं है। लोग इनको बोलते हैं परशुराम का फरसा भी बोलते हैं और त्रिशूल भी बोलते हैं, लेकिन मेरा कहना है अवश्य में ये त्रिशूल है, उसी के साथ में फरसा भी है। भगवान शंकर जी का जप स्थली है, वो त्रिशूल गाड़ के चले गए थे, उनका लुप्त होने के बाद परशुराम जी भी आए, परशुराम जी यहाँ पे जप कर रहे थे और अपना फरसा इसमें जोड़ दिए। परशुराम जी अपना नाम नहीं दे के भगवान शंकर जी का परम भक्त थे, इसलिए परशु जी अपना राम नाम नहीं दिए, भगवान शंकर जी का त्रिशूल कह दिए। लोग दे के फरसा भी बोलते हैं लेकिन अपना फरसा जोड़ दिया है। आश्चर्य की बात यह है कि इसमें कभी जंग नहीं लगता, खुले आसमान के नीचे धूप छांव बरसात का कोई असर इस त्रिशूल पर नहीं पड़ता है। भगवान परशुराम का फरसा टांगीनाथ धाम में हजारों वर्षों से गड़ा हुआ है, किंतु आज तक इसे जंग नहीं लगी, जो अपने आप में आश्चर्य की बात है। साथ ही यह भी ज्ञात नहीं है कि फरसा कितने फीट तक जमीन के अंदर धंसा हुआ है। एक अनुमान के अनुसार लगभग 17 फीट भीतर जमीन में धंसा हुआ है, लेकिन यह एक अनुमान मात्र है, वास्तविकता किसी को ज्ञात नहीं है। आपने देखा कि आखिर क्यों प्रसिद्ध है बाबा टांगीनाथ धाम। यह जो जगह है शिव जी का जगह है, परशुराम जी का यह तपो भूमि है, तो आप सभी से निवेदन है कि आप यहाँ पे आए, श्रद्धा के साथ आए, भक्ति के साथ आए और अपनी मन्नत को पूरा करें। मैं आनंद कुमार गुप्त अपने कैमरामैन कुंजीलाल और अंबिकापुर से जितेंद्र बिंदु के साथ खबरी चौक टांगीनाथ गुमला झारखंड।